Hello friends, you are watching CCC Creative Crafts and Cooking. At this channel you will get lots of craft ideas, cooking ideas, kitchen tips, latest fashion ideas and many more. So आज का टॉपिक है हमारा कि हाउ टू स्टोर पीज और मटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर हमें इसका प्रॉपर वे पता चल जाए तो हम इसे ऑफ सीजन में भी यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें जानना होगा इसका प्रॉपर वे फॉर स्टोरिंग. तो आज हम इसको स्टोर करना सीखते हैं और उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका प्रॉपर सीजन कौन सा होता है जिसमें हमें इसे स्टोर करना है. तो पीज और मटर के लिए जो हमारा प्रॉपर सीजन है जब हमें ये मार्केट में इजीली मिल जाती हैं वो है फ्रॉम मिड फेब टू टिल मार्च एंड. एंड कहाँ कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होती है? कर्नाटका, MP, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आसाम, हरियाणा, UP, उत्तराखंड, HP, बिहार एंड उड़ीसा. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. सबसे पहले हमने मटर ले ली है. एक साइड में हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है और जब ये पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम इसके अंदर मटर को ऐड कर देंगे. एक हमने जिप लॉक बैग ले लिया है जिसमें हमें मटर को स्टोर करना है. सो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर. हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है. जब तक पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम इसमें ऐड करते हैं 1 स्पून ऑफ शुगर. ये शुगर हमने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारी मटर लंबे समय तक हरी बनी रहे और इसमें मीठा सा टेस्ट भी आ जाए. अब हम इसमें शुगर को मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी शुगर जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाए. जब तक ये डिजॉल्व हो रही है तब तक हम वेट करते हैं. और जो हमने दूसरे बोल में पानी लिया है उसमें हम ये आइस डालकर इसको चिल्ड कर लेते हैं. अब हम इसमें मटर ऐड करते हैं और अपना स्विच फ्लेम का ऑफ कर देते हैं और एग्जैक्ट 2 मिनट तक हमें इसे मटर को इस पानी में पड़े रहने देना है सो दैट कि ये हल्की सी बॉयल हो जाए. हमको इसे बिल्कुल नहीं पकाना है, बहुत हल्का सा इसको बॉयल कर लेना है. अब उसके बाद हम एक छलनी लेकर उसमें इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं. और फ्रेंड्स इसको एंड तक देखिए ताकि आप कोई सा भी स्टेप मिस ना करें. जब हमारा इसका पानी अच्छे से निकल जाए तब हम इसे एकदम चिल्ड वाटर में ऐड कर देंगे. चिल्ड वाटर करने के लिए अभी हमने 1 आइस ट्रे इसमें डाला था और अभी अगेन हम इसमें 1 आइस ट्रे ऐड करते हैं सो दैट कि एकदम चिल्ड हो जाए ये वाटर. और अब हम इसमें चिल्ड वाटर में इस मटर को ऐड कर देंगे और इस पानी में ये मटर तब तक पड़ी रहेगी जब तक ये मटर बिल्कुल ठंडी ना हो जाए. अब जब ये मटर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है ये 5 to 10 मिनट्स लेगी एकदम ठंडा होने में. जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तो हमें इसका पानी एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल देना है और इसको हमें वही जो जिप लॉक बैग आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था अभी भी आप देख सकते हैं इस जिप लॉक बैग में हम इसको मटर को स्टोर करेंगे. इसका पानी पूरा निकाल लेने के बाद ही हमें इसे स्टोर करना है. अब विद द हेल्प ऑफ कर्चल हम इस मटर को इसमें फिल कर लेंगे. और जो हमारी बाकी की बची हुई मटर है उसका भी हम पानी निकाल देते हैं और इसको हम इस बैग में फिल कर लेते हैं. अब आप देख सकते हैं कि ये मटर सारी हमारे इस जिपलॉक बैग में आ गई है. इसको स्टोर करने का जो प्रॉपर वे है कि इसके अंदर जो जिपलॉक बैग है उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए. आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है. जो भी एक्स्ट्रा एयर थी वो मैंने निकाल दी है. अब ये एकदम स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है. और ये जब आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो इसको आपको फ्रीजर में रखना है और फ्रीजर आपका फ्रीज ऑल टाइम ऑन रहना चाहिए तभी आपकी मटर सही बनी रहेगी.
एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने कॉमेंट्स ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच.